हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की नई क्लास के साथ आपके सामने रहे। देखिए, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में कुछ थ्योरम्स पढ़े थे और कुछ एक्सियम्स पढ़े थे। अगर उससे और पहले की बात किया जाए तो हमने एंगल्स वगैरह पढ़े थे कि कौन से एंगल्स क्या होते हैं, किसको क्या कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल्स पढ़ा था, हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा था, हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले ही बहुत सारे तरह के एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और थ्योरम्स और एक्सियम्स पढ़े थे। तो ये सब क्या चीज़ थी? ये सब थी कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। चाहे जो सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इन सब में हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को हल करना। सिर्फ कॉन्सेप्ट जान लेना ये काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी हमको आना चाहिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे आएगा? क्वेश्चन करके। जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारे को सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानने का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन का मतलब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जो आपकी एनसीईआरटी के हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एनसीईआरटी के हैं, और इसके अलावा भी और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी, ये एग्जांपल का है, एग्जांपल 6। इन ए फिगर, ये पास हमारे पास फिगर है, ए बी पैरेलल है सीडी के, यानी ए बी पैरेलल है सीडी के, और सीडी जो है वो ईएफ के पैरेलल है, ठीक है, ईएफ के पैरेलल है, बहुत बढ़िया। फिर कहा गया कि ईए जो है वो परपेंडिकुलर है एबी के, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, बहुत बेहतरीन। फिर एंगल बीईएफ, एंगल बीईएफ है 45, ये भी देख के बहुत अच्छा किया उन्होंने। फिर हमको निकालना क्या है, एक्स वाई जेड, हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है, और ये वाला जेड निकालना है। क्या ये सब एंगल हम निकाल लेंगे? बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखिए, क्या ये लाइन ऑन लाइन ई एफ की बात किया जाए अगर, तो ये बताइए, मैं एक लाइन लिखता हूं फिर से, 55 डिग्री प्लस एंगल जेड प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पे 180 डिग्री लिखा। देखिए, यहाँ पे 55 है, ये क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर एंगल जेड है, ये हमको निकालना है, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90, ठीक। इसको और इसको ऐड किया तो कितना आया, 145 डिग्री प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री, तो एंगल जेड कितना आया, 180 डिग्री माइनस 145 तो बराबर 35 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? तो एंगल जेड हमारा कितना आ गया, 35 डिग्री। ये पहली चीज आ गई। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल, देखिए आपसे कहा गया है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, और हमको पता है जब दो पैरेलल लाइन हो और उनको जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। मतलब एंगल y और एंगल 55, ये कितना बनाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बोथ दीज एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, थ्योरम है ये हमारा, है ना। यहाँ पे हमने लिखा एंगल 55 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, को आर आई, को इंटीरियर एंगल्स, क्यों? क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा है, थ्योरम प्रूफ किया है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम एंगल y कितना निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, 180 में से 50 घटा देंगे तो 125 डिग्री आया हमारा एंगल y। ये क्या आ गया हमारा y, ठीक। बच क्या गया, एंगल z। अब आप ही बताइए देख के, क्या एंगल x बराबर एंगल y होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर एंगल x एंगल y के बराबर है, और जो कि बराबर है 125 डिग्री के,
समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए क्या कहा गया कि जो ये लाइन है ई एफ, इस पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो 180 डिग्री के ही बनेंगे, है ना। उस पर कितने एंगल्स बनेंगे? 180 डिग्री बनेंगे। तो एंग 55 प्लस जेड प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर देखिए 55 डिग्री प्लस एंगल जेड प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक। तो यहां से एंगल जेड हम लोगों ने निकाल लिया, 145 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, तो एंगल जेड कितना आया? 35 डिग्री आया, ये हमको पता चल गया, ठीक है। जब हमको ये पता चल गया कि ये हमारा है 35 डिग्री, तो आप ही बताइए क्या ये और ये एंगल सेम साइड, ये दोनों जो एंगल हैं ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं क्या? ये बिल्कुल को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये हम लोग पिछले क्लास में अपने थ्योरम से प्रूफ करके आए हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 145 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। यहां से हम लोग निकाल लिया एंगल जेड, तो वो कितना आया? 35 डिग्री। फिर देखिए जो एंगल वाई है और एंगल एक्स, ये लिखा है मैंने कि ये इक्वल है, क्या है, क्यों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक नंबर के लिए, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एक नंबर में आने के लिए, देखिए लेकिन करना तो है ही है। अगर हमको यहां पे फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई, अगर मैं लिखूं एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये क्या हो गया, वाई क्या आ गया? 130 आ गया। एंगल वाई और एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्या हम इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स, ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। बस यही क्वेश्चन था हमारा कि हमको एंगल एक्स और एंगल वाई निकालना, इस तरह क्वेश्चन एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। जैसे एंगल वाई क्या होगा? 130 होगा, क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल एक्स क्या होगा? एंगल एक्स वही होगा जो एंगल वाई होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट, वाई और 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो सेम हुए एक्स और वाई, सेम क्यों हुए? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्या एंगल एक्स को निकालने का कोई और तरीका आप जानते हैं? अगर मैं कहूं कि अल्टरनेट एंगल से मत निकालिए, किसी और तरीके से निकालिए, तो क्या आप निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए कैसे, देखिए ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को मैं नाम दे दूं ए, तो ये एंगल ए कितना होगा? तो एंगल ए प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्यों? स्ट्रेट लाइन, क्यों? स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल ए प्लस 50 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए यहां से कितना आया? एंगल ए यहां से आया 130 डिग्री, ठीक। तो एंगल ए कितना आया? 130 डिग्री। अब आप देखें गौर से कि एंगल ए और एंगल एक्स बराबर है, क्यों? क्योंकि अभी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से हमको ये पता चला कि एंगल एक्स कितना है? 130 डिग्री। चाहे जैसे करिए, चाहे इस वाले मेथड से करिए, चाहे इस मेथड से करिए, आंसर सेम आएगा। यहां पे भी 130 आया, यहां पे भी 130 ही आया, ठीक। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में भी आपको दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से प्रूफ करने का, एक करस्पॉन्ड अल्टरनेट एंगल से प्रूफ करने का, ठीक। प्रूफ करने का मतलब फाइंड करने का। अब यहां पर देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, दोनों बात ठीक है। तो कहा जा रहा है और यह भी चीज दे दी गई है कि y और z का रेशियो है 3:7, तो हमको निकालना क्या है? x। क्या इस क्वेश्चन को कर लेंगे? मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए, आप वीडियो पॉज कर दीजिए, सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए कि उसके बाद वीडियो प्ले करिए, फिर देखिए कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं आपका, या जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आपको देखना है। देखिए यहां पे मैंने क्या किया कि इस एंगल को बना दिया वाई, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अगर ये एंगल हमारा वाई है तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा? वाई ही होगा, और वाई क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लोग बचपन से जानते हैं, बचपन से क्या मतलब कुछ वीडियो पहले से, कि एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180 होगा, क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल्स हैं, व्हाई? दे आर को इंटीरियर एंगल्स। व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स,
रेशियो, रेशियो दिया है यहां पे। जब रेशियो का जन्म हुआ होगा, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा रेशियो, तब आपने एक चीज देखी होगी, जब कोई चीज रेशियो दी रहती है तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। मतलब क्या हुआ इस चीज का, अगर ये वाई की वैल्यू, वाई की जगह 3 लिखा है, जेड की जगह 7 लिखा है, तो क्या वाई की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 7 है? नहीं, ये इनका रेशियो दे रखा है कि कितना कितना हिस्सा होगा किसी का। तो हमको पहले क्या करना है, इन वाई का और जेड की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेनी है। आपको याद होगा कि जब इस तरह से कुछ होता था तो हम 3 में 7 को भी कोई एक वेरिएबल लगा लेते थे। तो यहां पे भी करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7a। ठीक, हो गया ये चीज। हमने क्या किया कि y को मान लिया 3a, z को मान लिया 7a। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में अपने रख देते हैं, तो क्या होगा, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात ठीक समझ में आ रही होगी, सही है। इसको ऐड किया तो कितना आया, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से a कितना आएगा, a आएगा 180 डिग्री अपॉन में 10, तो ये कट गया, बचा क्या 18 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, अभी y और z की वैल्यू नहीं आई है। निकाल लीजिए y, y को हमने क्या माना है 3a, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो 18 3 जा 54 होता है, तो 54 डिग्री आ गया भाई। अब क्या निकालना है हमको, z निकालना है, z होता है 7a इज इक्वल टू 7 इंटू 18, और 18 7 से कितना होता है 126 डिग्री। तो अब हमको पता चला है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है y की और z की। देखिए z की वैल्यू पता है हमको और ऊपर x है, क्या x और y इक्वल है, सॉरी x और z इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। क्यों इक्वल है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, y क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल x भी क्या आ गया 126 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि x भी क्या हुआ 126 डिग्री। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने दो तरह से किया था, वैसे इस क्वेश्चन को भी यहां पे एंगल एक्स को लाने के लिए हम दो मेथड लगा सकते हैं। देखिए मेथड आपको लगाना आना चाहिए। इस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में ये खासियत है कि कोई इंसान 126 इस मेथड से लाएगा और कोई इंसान 126 किसी अदर मेथड से लाएगा, लेकिन उसका मेथड भी सही होगा। मतलब मैं चाहूं तो इस 126 को एक अलग तरह से भी लेके आ सकता हूं, एक अलग टेक्निक से, एक अलग कॉन्सेप्ट से भी लेके आ सकता हूं। देखिए ये वाला आपको समझ में आया, ये था क्यों, क्योंकि हम अल्टरनेट एंगल्स बना दिए z को और x को। मान लीजिए हम z का इस्तेमाल ही ना करते, मान लीजिए हम z का इस्तेमाल ना करें, हमने लिख दिया और यहां पे भी लिख देते हैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात आप लोग को हजम हो रही है, बिल्कुल ये सही है। क्यों है, क्योंकि यह है को इंटीरियर, ये है को इंटीरियर, तो ठीक है। तो एंगल x प्लस एंगल y हो गया 180 डिग्री। देखिए इस चीज को मैं यहां पे कर रहा हूं, इस तरफ कर रहा हूं, तो एंगल x प्लस एंगल y है 180 डिग्री। एंगल x हमको निकालना है, एंगल y हमको पता है 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x कितना आया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये चीज समझ में आई आप लोग को, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए आंसर हमारा 126 इससे भी आया है, ये भी तरीका सही है, और आंसर 126 इस मेथड से भी आया है, ये तरीका भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे एंगल से खेल रहे हैं, ये कौन सा एंगल हमको पता है, कौन सा एंगल नहीं पता है, कौन कौन सा एंगल से हम आंसर ला सकते हैं, ये भी तरीका सही है। अगर कोई आंसर इससे लेके आएगा तो वो भी सही है, और ये तरीका भी सही है। सारी चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। आपके एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, लेकिन बहुत आसान, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस टी,
ये हम लोगों ने बना दिया। फिर क्या कह रहे हैं कि ये एंगल है हमारा 110 डिग्री और ये एंगल है हमारा 130 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए क्वेश्चन, या अगर आपके पास बुक है तो अपनी बुक खोल लीजिएगा, उसमें भी लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.2 का। कह रहे हैं इन द फिगर PQ इज पैरेलल टू ST, मतलब PQ ST के पैरेलल है। एंगल PQR इज इक्वल टू 100, एंगल PQR है 110 डिग्री। फिर कह रहे हैं एंड एंगल RST, एंगल RST है 130 डिग्री। देन फाइंड एंगल QRS, एंगल QRS मतलब ये एंगल को हमको फाइंड करना है, लेट दिस एंगल बी X। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है कि PQ पैरेलल है ST के, एंगल Q दिया है 110 डिग्री, एंगल R ओ एंगल S दिया है 130 डिग्री और एंगल Q R, ठीक, ये हमको दिया है। टू फाइंड हमको क्या निकालना है वो भी लिख देते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस, ये हमको फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। करना क्या है, एक काम करिएगा, क्या काम करिएगा कि ये जो पॉइंट आर है इससे होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। जब भी हम अपने आप से फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको लिख देते हैं, मतलब सॉल्यूशन से पहले हमने क्या लिखा यहां पे, कंस्ट्रक्शन, यहां पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी एंड पासिंग थ्रू आर, मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी जो पैरेलल होगी पी क्यू के भी और एस टी के भी और आर से होती हुए जाएगी। ठीक है, आर से होती हुई जाएगी। अब ये देखिए, ये एक एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अगर मैं देखूं, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं लिख क्या रहा हूं, देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर प्लस एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज समझ में कितनों को आई, देखिए एंगल पी क्यू आर मतलब ये एंगल प्लस एंगल क्यू आर ए ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, को इंटीरियर है। क्यों होगा, को इंटीरियर है, इसलिए ये होगा। ठीक है, तो यहां से हम एंगल क्यू आर ए क्या निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री, तो कितना आ गया 70 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री। ठीक, अगेन अब देखिए हमारे पास ये एंगल है एस टी आर, तो हमने लिखा एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, वही बात, को इंटीरियर। ये भी क्यों इक्वल हुआ, ये भी को इंटीरियर हुआ। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग को इंटीरियर के ऊपर कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए वहां पे भी को इंटीरियर है, यहाँ पे भी को इंटीरियर है, यहाँ पर भी को इंटीरियर आया। हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, तो एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री, ये कितना आ गया 50 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, एंगल एस आर बी ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। लेकिन क्या हमको ये दोनों एंगल निकालने भी थे, नहीं, ये हमको नहीं निकालना था, हमको निकालना क्या था, क्यू आर एस यानी ये एक्स निकालना था। लेकिन ये एक्स तभी निकलेगा, ये एक्स तभी निकल सकता है जब हमको ये दोनों एंगल पता हो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिए थे इसलिए हम लोगों ने पहले इसको निकाला है। ठीक है, अब देखिए देखिए
यहां से हम लोग ऊपर देखते हैं, लाइन ए बी देखिए, ऑन लाइन ए बी देखिए 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बात सही है कि नहीं? देखिए ये लाइन ए बी पर देखिए कि 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, क्यों होगा, ये है स्ट्रेट लाइन, ये क्यों होगा, ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना आएगा 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से एक्स कितना आया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये है माइनस 120, तो एक्स कितना आया 60 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोग का मेथड, हम लोग कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं कोई भी एंगल निकालने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, अगर कोई दिक्कत किसी भी चैप्टर में आपको पिछले चैप्टर्स में आ रही हो या यहां पर कुछ समझ में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप उसमें क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, फौरन इसका एग्जाम सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आया होगा, एक आध क्वेश्चन और बचे हैं वो हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।